किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम, गर्मी के मौसम और जून जुलाई में आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन ऐसे वैरायटी के बारे में, तीन ऐसे किस्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उत्पादन 70 से 80 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खेती बाड़ी जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं आज का जो तीन सिलेक्टेड टमाटर की किस्म है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर रखे हुए किसान साथियों सेमिनिज कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म आता है, ज़बरदस्त वैरायटी आता है, अभिलाष के नाम से आता है। यह एक F1 हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाला वैरायटी है। किसान साथियों, अगर हम बात करें इस अभिलाष वैरायटी को लगाने का जो समय होता है, तो इसको आप तीनों मौसम में लगा सकते हैं, खरीफ, रवि और जैद में इसको लगा सकते हैं। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका जो एक फल का जो साइज होता है तो 80 से 100 ग्राम तक एक फल का साइज होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका जो पौधा होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ना अधिक लंबा होता है और ना अधिक छोटा होता है, यानी कि मीडियम साइज़ का होता है और इस पर आंधी और पानी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका जो फल का रंग होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, यानी कि जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो ये पूरा लाल रंग का होता है, गाढ़ा लाल रंग का होता है। और जिस समय ये अनमेच्योर होता है, यानी मतलब पकता नहीं है, उस समय इसको आप देखेंगे तो पूरा गाढ़ा हरा रंग का होता है और इसका फल पकने के बाद बहुत ही चमकीला होता है। और इस वैरायटी का खास बात है किसान साथियों कि इसमें जो लीफ कर्ल वायरस होता है उसका अटैक नहीं होता है और जो ब्लाइट होता है उसका भी अटैक बहुत ही कम होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, जिससे कि इसका नुकसान नहीं होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका पहला तुराई कितने दिन में आप कर सकते हैं, तो सेमिनिज कंपनी का जो अभिलाष वैरायटी है इसका पहला तुराई कम से कम आप 60 से 65 दिन तक में इससे आप पहला तुराई ले सकते हैं और आप मार्केट में सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों सिंजेंटा कंपनी का एक वैरायटी आता है अभिनव, जो कि F1 हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही अधिक पैदावार वाला यह किस्म है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका जो पहला तुराई है वो आप 60 से 65 दिन तक में इससे आप पहला तुराई ले सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस वैरायटी को भी आप किसान साथियों तीनों मौसम में लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं, खरीफ में भी लगा सकते हैं और जैद में भी लगा सकते हैं, लेकिन खास करके अगर इसको आप बरसात के मौसम में लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका जो फल का रंग होता है डार्क रेड कलर का होता है, यानी कि गहरा लाल रंग का होता है, और इसका जो फल होता है बहुत ही स्मूथ होता है, यानी इसका जो फल होता है बहुत चिकना होता है और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इसको आप अधिक एक लंबे समय तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें जो गलने वाला बीमारी होता है वो नहीं आएगा, आपका फल जल्दी गलता नहीं है। अगर हम बात करें किसान साथियों एक फल का वज़न का, तो एक फल का वज़न 80 से 90 ग्राम तक का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसका जो उत्पादन होने वाला है प्रति एकड़ के हिसाब से वो कितना होता है, तो अभिनव वैरायटी से अगर इसको आप सही समय पर देखभाल करते रहते हैं, खाद और इसका इलाज देते करते रहते हैं, तो 20 से 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इससे आप उत्पादन लेकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है किसान साथियों, इसको भी आप अपने खेत में लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत इस वैरायटी में नहीं आता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसान साथियों लास्ट और अंतिम नंबर पर हमने जो रखा हुआ टॉप वैरायटी जो है आर्का विशाल, यह वर्धान सीड्स का बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, उत्तम किस्म है। यह भी एक F1 हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही अधिक उत्पादन देने वाला वैरायटी है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी है। और इस वैरायटी को खास करके बरसात के मौसम के लिए बहुत ही उन्नत किस्म माना जाता है किसान साथियों। अगर हम बात करें इसका उत्पादन का, तो 80 से 90 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इससे आप उत्पादन ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इसका जो फल का आकार होता है वह गोलाकार शेप में होता है और बहुत ही आकर्षक इसका फल होता है और गाढ़ा लाल रंग का होता है, जो कि बहुत ही आकर्षक होता है, इसको मार्केट में सेल करने में बहुत ही आसानी होता है और डिमांडेबल होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके फल का जो और खासियत होता है कि चमकीला तो होता ही है, उसके साथ साथ इसका जो फल होता है वो चिकना होता है, और जिससे कि इसको हम अधिक समय तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से जल्दी गलता सड़ता नहीं। अगर हम बात करें इसके एक फल का वज़न का, तो 90 से लेकर 100 ग्राम तक एक फल का वज़न होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, अच्छा होता है।
इसके फल का एक और ख़ास बात होता है किसान साथियों कि इसका फल जल्दी क्रैक नहीं करता है और फटता नहीं है और लंबे समय तक इसमें फलन आता है। अगर इस वैरायटी का आप सही समय पर इसमें खाद और दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, तो इसमें बहुत ही लंबे समय तक फल आता है। किसान साथियों, आज का मेरा ये वीडियो था कि तीन टॉप टमाटर की किस्म के बारे में, जिसको आप बरसात में लगा सकते हैं, गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं, जून और जुलाई के समय में लगा सकते हैं। तो किसी एक वैरायटी को आप चूज करके, चयन करके अपने खेत में लगा सकते हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। किसान साथियों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।